और युद्ध क्षेत्र से हो रहा एक और बहुत बड़ा खुलासा, अब तक हमास के 9,500 हमले हुए इजरायली डिफेंस फोर्सेस के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। लगातार 7 अक्टूबर से जो सिलसिला शुरू हुआ वो अभी भी थमा नहीं है, अभी भी हमास की तरफ से रॉकेट्स दागे जा रहे हैं। हालांकि हमास की तरफ से हो रहे हमले की फ्रीक्वेंसी काफी कम हो चुकी है, लेकिन 7 अक्टूबर से लेकर अब तक कुल 9,500 हमले हमास ने किए हैं, ये बताया गया है इजरायली डिफेंस फोर्स के तरफ से। तो इसराइल पर हमास के हमलों का सिलसिला लगातार जारी है और अब तक का पूरा डेटा सामने रखा गया है आईडीएफ की तरफ से, इसराइली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से, कि कुल कितने हमले हुए हैं हमास की तरफ से। 7 अक्टूबर से जो एयर स्ट्राइक हो रही है उनकी संख्या 9,500 है। 9,500 हमले हमास की तरफ से हुए हैं। जंग का शुरुआती जो एक घंटा था उसमें 3,000 रॉकेट दागे गए, ये भी बताया है। इसके अलावा एयर डिफेंस सिस्टम से इंटरसेप्ट किए गए हैं करीब 2,000 रॉकेट और मोर्टार, ये जानकारी भी सामने आ रही है। और हवाई हमले की लॉन्चिंग जो फेल हुई है वो 12% लॉन्चिंग फेल भी हुई है। इंपॉर्टेंट ये भी है कि आईडीएफ के एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम, पैट्रियट और लॉन्ग रेंज एरो डिविंग स्लिंग को लेकर भी बड़े दावे किए गए कि आखिर किस तरीके से इनका ऑपरेशन में इस्तेमाल किया गया है। लेकिन बड़ी खबर ये भी है कि गाजा में हमास के ठिकानों पर लगातार बमबारी हो रही है और 24 घंटे में हमास के 100 ठिकानों को तबाह किया जा चुका है। हालांकि इजरायली एयरफोर्स की तरफ से लगातार हो रही बमबारी को लेकर भी बड़े दावे किए गए कि कैसे चुन चुनकर हमास के ठिकानों का खात्मा हो रहा है। और इस बीच गाजा के जंगी मैदान से ग्राउंड रिपोर्ट कैमरे पर हमास का फॉस्फोरस बम की एक एक डिटेल आपके सामने रखेंगे। रॉकेट, हथगोले, मैनपैड पर भी बड़ा खुलासा हुआ है। हमास के जंगी जखीरे पर यह बड़ा खुलासा। ये फॉस्फोरस बम का इस्तेमाल किया जाता है, इसमें यहां पे इसको लोड किया जाता है और उसके बाद ट्रिगर करके इसका इस्तेमाल उसमें किया जाता है। इसके साथ साथ आगे हम आपको कुछ और तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं। ऐसी आरपीजीज, ऐसे बॉम्ब्स, ऐसे रॉकेट्स हैं जो देखकर आपके होश फाकता हो जाएंगे। ये देखिए, सबसे पहले इस पर नजर डालिए, दिस इज RPG-29। ये RPG-29 है, ये भी एक तरह का हथियार है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर इसका ट्रिगर होता है, वहाँ से एक तरफ से इसमें गोला डाला जाता है, यहाँ से ट्रिगर दिया जाता है और सामने जो दुश्मन होगा वो 2 मिनट में धराशायी। इसके अलावा ये RPG-7 है, ये उसी की श्रृंखला, यहाँ से ये RPG-7 की श्रृंखलाएँ यहाँ से शुरू होगी। यहाँ 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 वहाँ आप जहाँ नज़र डालेंगे इसी तरह के हथियार हैं। कई तरह के ऐसे हथियार हैं जिसके शायद आपको कभी आपने कभी देखा भी ना हो, कभी आपने नाम भी ना जाना हो, वो सब है।